हेलो गाइस, आज जो बताना है यूनियन बैंक का इंटरनेट बैंकिंग से डेबिट कार्ड का पिन कैसे चेंज करते, न्यू डेबिट कार्ड का पिन कैसे बनाते, दोनों प्रोसीजर बताएंगे। जैसा बहुत दिन से आप डेबिट कार्ड यूज़ नहीं कर रहे, यूज़ नहीं करने से डेबिट कार्ड का पिन आप भूल गए, डेबिट कार्ड का पिन आप सेट कर सकते, कहाँ पर जाने का जरूरत नहीं पड़ते, बैंक को भी जाने का जरूरत नहीं पड़ते, ATM पे भी जाने का जरूरत नहीं पड़ते, खुद आप इंटरनेट बैंकिंग से कर सकते, ज़्यादा टाइम भी आपको नहीं लगते। तो कैसे करना पूरा प्रोसीजर आपको बताएंगे। मैं विश्वजीत, मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है टैक टिप विश्वजीत। यूनियन बैंक का न्यू डेबिट कार्ड का पिन कैसे सेट करते, डेबिट कार्ड का पिन कैसे चेंज करते, दोनों प्रोसीजर आपको बताएंगे। पूरा वीडियो आप देखिए, एक के बाद एक स्टेप बताएंगे। चलिए शुरू कर रहा हूँ गाइस। लैपटॉप पे आ गया। लैपटॉप पे आने के बाद यूनियन बैंक का जो न्यू डेबिट कार्ड आए, न्यू डेबिट कार्ड आने के बाद आपको पिन बनाने का जरूरत पड़ते। पिन नहीं बना तो आप यूज नहीं कर सकते। पिन बनाने के लिए आपको ATM पे जाने का जरूरत नहीं है, बैंक पे जाने का जरूरत नहीं है। आपके पास इंटरनेट बैंकिंग रजिस्टर रहे तो खुद डेबिट कार्ड का पिन बना सकते, कहाँ पे जाने का जरूरत नहीं पड़ती, घर में बैठ के आप कर सकते। कैसे करना पूरा प्रोसीजर बताएंगे। यूनियन बैंक का जो डेबिट कार्ड का पिन बनाने के लिए लैपटॉप पे मैं आ गया। लैपटॉप पे आने के बाद गूगल क्रोम में आ गया। गूगल क्रोम में आने के बाद यहाँ पे यूनियन बैंक लिख के मैं सर्च कर लेता हूँ। गाइस देखिए, यहाँ पे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया बोल के मैं लिख के सर्च कर लिए। सर्च करने के बाद यूनियन बैंक का जो ऑफिशियल साइट है यहाँ पे आ गए। यूनियन बैंक का जो वेबसाइट है यहाँ पे आ गए। यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे देखिए इंटरनेट बैंकिंग बोल के लिखे सारे, यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ। गाइस सिलेक्ट करने के बाद ये पेज पे आ गए। आने के बाद यहाँ पे देखिए इंटरनेट बैंकिंग बोल के लिखे सारे, यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ। गाइस देखिए सिलेक्ट करने के बाद ये पेज पे आ गए। ये पेज पे आने के बाद जो यूनियन बैंक का वेबसाइट है यहाँ पे आ गए। ये नेट बैंकिंग का वेबसाइट है यहाँ पे आ गए। यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे देखिए रिटेलर यूजर लॉगिन बोल के जो लिखे सारे, सेविंग अकाउंट है तो यहाँ पे सिलेक्ट करना, मेरा सेविंग अकाउंट है, मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ। गाइस देखिए सिलेक्ट करने के बाद ये पेज पे आ गए। ये पेज पे आने के बाद यहाँ पे देखिए यूनियन बैंक का नेट बैंकिंग लॉगिन करना पड़ता। पहले यूजर आईडी देना, उसके बाद पासवर्ड डालना, उसके बाद एक कैप्चर है यहाँ पे डाल देना, उसके बाद यहाँ पे लॉगिन कर लेना। यूजर आईडी पासवर्ड कैप्चर डाल के फिर आगे बताएंगे। पहले मैं यूजर आईडी डाल देता हूँ। गाइस देखिए यूजर आईडी डाल दे, उसके बाद पासवर्ड डाल देता हूँ। गाइस देखिए पासवर्ड डाल दे, उसके बाद यहाँ पे देखिए जो कैप्चर है 1+1 यहाँ पे 2 डाल दे रहा हूँ। डालने के बाद नीचे देखिए लॉगिन बोल के लिखा सारे, यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ। गाइस देखिए मैं यूनियन बैंक का जो इंटरनेट बैंकिंग है मैं लॉगिन हो गया। यहाँ पे देखिए लॉगिन होने के बाद मेरा नाम यहाँ पे बता दे रहे। उसके बाद यहाँ पे यूनियन बैंक का जो नेट बैंकिंग है यहाँ पे हर चीज आपको मिल जाती है, जो आपको जरूरत है यूज कर सकते हैं। यूनियन बैंक का इंटरनेट बैंकिंग रजिस्टर नहीं रहे तो कमेंट करें, उसका भी वीडियो बना के देंगे। आपके पास डेबिट कार्ड है, बहुत दिन से आप यूज नहीं करे, डेबिट कार्ड का पिन आप भूल गए, डेबिट कार्ड का पिन आप चेंज भी कर सकते, नया डेबिट कार्ड का पिन बना भी सकते, दोनों यहाँ पे कर सकते। गाइस यहाँ पे देखिए जनरल सर्विसेज बोल के लिखे सारे, इसके नीचे देखिए यहाँ पे सर्विस बोल के लिखे सारे, यहाँ पे देखिए सर्विस रिक्वेस्ट बोल के लिखे सारे, यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ। गाइस सिलेक्ट करने के बाद ये पेज पे आ गए। ये पेज पे आने के बाद थोड़ा ऊपर कर लीजिए। ऊपर करने के बाद यहाँ पे देखिए ग्रीन पिन जनरेशन बोल के लिखे सारे, 2 नंबर पे आ रहे, यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना पड़ता। अगर न्यू डेबिट कार्ड आए तो डेबिट कार्ड का पिन बनाने के लिए यहाँ पे आना पड़ता। जैसा आप डेबिट कार्ड का पिन आप भूल गए, वो भी पिन बनाने के लिए यहाँ पे आना पड़ता। यहाँ पे देखिए आप चेकबुक भी अप्लाई कर सकते। यहाँ पे देखिए रिक्वेस्ट न्यू चेकबुक बोल के लिखे सारे, आपके पास चेकबुक नहीं रहे तो न्यू चेकबुक आप रिक्वेस्ट डाल सकते। मेरा डेबिट कार्ड का मैं पिन भूल गए, मेरा याद नहीं है, मैं बहुत दिन से डेबिट कार्ड यूज नहीं करे। अभी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन होने के बाद डेबिट कार्ड बहुत कम यूज होता। डेबिट कार्ड कम यूज होने से डेबिट कार्ड का पिन ही मैं भूल गए, तो डेबिट कार्ड का पिन में न्यू सेट करेंगे। यहाँ पे देखिए ग्रीन पिन जनरेशन बोल के लिखे सारे, यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ। गाइस सिलेक्ट करने के बाद ये पेज पे आ गए। ये पेज पे आने के बाद यहाँ पे देखिए ग्रीन पिन जनरेशन बोल के लिखे सारे। गाइस यहाँ पे देखिए अकाउंट सिलेक्ट बोल के आ रहे, यहाँ पे जो तीर का निशान आ रहा है देखिए यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ता। यहाँ पे सिलेक्ट करे तो जिसका नाम पे यूनियन बैंक का अकाउंट है यहाँ पे नाम बताते, अकाउंट नंबर भी बता देते। यहाँ पे अकाउंट नंबर आपको सिलेक्ट करना पड़ता। यहाँ पे अकाउंट नंबर मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ।
गाइस सिलेक्ट करने के बाद नीचे दिखे एक बॉक्स खोल के आ गए। यहाँ पे दिखे कार्ड नंबर बोल के लिखे सारे, यहाँ पे सिलेक्ट बोल के लिखे सारे। उसके बाद यहाँ पे दिखे एक तीर का निशान आ रहा है, यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ। जो यूनियन बैंक का डेबिट कार्ड है, डेबिट कार्ड नंबर यहाँ पे बता देता, डेबिट कार्ड जो एक्टिव है कितना डेबिट कार्ड है यहाँ पे वो भी बता देता। जैसा यूनियन बैंक में आपका दो अकाउंट है, दो डेबिट कार्ड नंबर यहाँ पे बताते। मेरा यूनियन बैंक में एक ही अकाउंट है, एक ही डेबिट कार्ड है, एक डेबिट कार्ड नंबर यहाँ पे बता दे रहे। तो डेबिट कार्ड नंबर मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। गाइस सिलेक्ट करने के बाद फिर एक बॉक्स खोल के आ गए। यहाँ पे देखिए कार्ड एक्सपायरी डेट बोल के आ रहे। जो डेबिट कार्ड है, डेबिट कार्ड का जो एक्सपायरी डेट है यहाँ पे डालना पड़ता। मैं डेबिट कार्ड का एक्सपायरी डेट जो है मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, डाल के फिर आगे बताएंगे। गाइस देखिए डेबिट कार्ड का जो एक्सपायरी डेट था यहाँ पे डाल दिए। डालने के बाद यहाँ पे पूरा एक बार डिटेल सब चेक कर लीजिए। पहला अकाउंट नंबर डाल देना, उसके बाद डेबिट कार्ड नंबर डाल देना, उसके बाद डेबिट कार्ड का जो एक्सपायरी डेट है यहाँ पे डाल देना। उसके बाद यहाँ पे नीचे देखिए सबमिट बोल के लिखे सारे, यहाँ पे सबमिट कर दे रहा हूँ। भाई सबमिट करने के बाद ये पेज पे आ गए। ये पेज पे आने के बाद यहाँ पे देखिए रिक्वेस्ट डिटेल्स बोल के आ रहे। यहाँ पे देखिए अकाउंट नंबर आ जा रहे, यहाँ पे देखिए डेबिट कार्ड नंबर आप जो डाले डेबिट कार्ड नंबर यहाँ पे आ जा रहे। उसके बाद यहाँ पे देखिए कि एंटर पिन बोल के लिखे सारे। ये बॉक्स के अंदर चार डिजिट का पिन यहाँ पे डालना पड़ता। उसके बाद नीचे देखिए रिटाइप पिन बोल के आ रहे, जो पिन आप ऊपर डालते सेम पिन नीचे डालना पड़ता। उसके बाद यहाँ पे देखिए ट्रांजेक्शन पासवर्ड डालना पड़ता, उसके बाद वन टाइम पासवर्ड डालना पड़ता। और जो यूनियन बैंक में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर दिए से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे वन टाइम पासवर्ड आता, पासवर्ड यहाँ पे डालना पड़ता। ये ट्रांजेक्शन पासवर्ड क्या है नहीं मालूम रहे तो ट्रांजेक्शन पासवर्ड का भी वीडियो हमारा चैनल पे आप देख सकते हैं। जैसा फंड ट्रांसफर करते कुछ भी आप करने को जाए तो आपको ट्रांजेक्शन पासवर्ड का जरूरत रहते, यहाँ पे ट्रांजेक्शन पासवर्ड आपको डालना पड़ता, उसके बाद वन टाइम पासवर्ड डालना पड़ता। तो मैं पूरा यहाँ पे फ्लैप कर लेता हूँ, फ्लैप करके फिर आगे बताएंगे। यहाँ पे एंटर पिन बोल के जो आ रहे यहाँ पे चार डिजिट का पिन मैं डाल देता हूँ। गाइस देखिए मैं ऊपर चार डिजिट का पिन डाल दे, फिर नीचे भी सेम पिन डाल देता हूँ, नीचे भी सेम पिन डाल दिए। उसके बाद यहाँ पे देखिए ट्रांजेक्शन पासवर्ड बोल के लिखे सारे, यहाँ पे ट्रांजेक्शन पासवर्ड भी मैं डाल देता हूँ। गाइस देखिए ट्रांजेक्शन पासवर्ड भी मैं डाल दिए। उसके बाद देखिए वन टाइम पासवर्ड और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे छह डिजिट का पासवर्ड आते हैं, छह डिजिट का पासवर्ड मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, डाल के फिर आगे बताएंगे। छह डिजिट का जो ओटीपी आया था वन टाइम पासवर्ड बोल के यहाँ पे मैं डाल दिए। डालने के बाद नीचे देखिए सबमिट बोल के लिखे सारे, यहाँ पे सबमिट कर दे रहा हूँ। गाइस देखिए सक्सेसफुली मेरा डेबिट कार्ड का पिन यहाँ पे सेट कर लिए, डेबिट कार्ड का पिन यहाँ पे सक्सेसफुल बोल के बता दिए। यहाँ पे देखिए ग्रीन पिन हैज बीन सेट सक्सेसफुल बोल के बता दिए। मैं डेबिट कार्ड का पिन जो भूल गए थे यहाँ पे पिन मेरा सक्सेसफुली सेट हो गया। तो डेबिट कार्ड का पिन आप भूल जाए तो भी डेबिट कार्ड का पिन सेट कर सकते। जैसा आपका घर का एड्रेस पे डेबिट कार्ड आ गए, डेबिट कार्ड आने के बाद क्या सोच रहे एटीएम पे जाके पिन बनाना है, बैंक को जाके पिन बनाना है, टाइम खराब करके जरूरत नहीं, घर में बैठ के आप पिन सेट कर सकते। को लाइव बता इंटरनेट बैंकिंग से पिन कैसे सेट कर सकते। गाइस पूरा वीडियो में आपको बताया यूनियन बैंक का डेबिट कार्ड का पिन कैसे सेट करते, कैसे पिन चेंज करते, लाइव आपको बताया। वीडियो अच्छा लगे तो लाइव करिए, कोई सवाल रहे तो कमेंट करिए, चैनल पे नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। बाय, टेक केयर।